हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये हरी मटर की खस्ता कचौड़ी की रेसिपी। ये खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और साथ में ये खस्ता कचौड़ी आप चाय के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए मैंने सोचा सर्दियों में मटर बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो क्यों ना ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने बिल्कुल फ्रेश मटर ले ली है क्योंकि मार्केट में फ्रेश मटर बहुत अच्छी अवेलेबल है। मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर का यूज़ नहीं किया है। और साथ में मैंने यहाँ पर दो हरी मिर्च ले ली हैं, एक इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इनको मैं इसके साथ पीस कर इसका पेस्ट बनाऊंगी। साथ में मैंने यहाँ पर कुछ मसाले ले लिए हैं, एक एक टेबल स्पून जीरा ले लिया है, खड़ा धनिया ले लिया है और सौंफ ले लिए हैं। साथ में कुछ खड़ी लाल मिर्च ले ली हैं। इनको मैं फ्राई पैन पर ड्राई रोस्ट करके हल्का सा इनका दरदरा सा पाउडर बनाऊँगी। यहाँ पर मैं इन मसालों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी क्योंकि ड्राई रोस्ट करने से मसालों में जो हल्की फुल्की नमी होती है, एक तो वो चली जाती है और मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल ड्राई रोस्ट करूँगी। और साथ में मैंने इसमें ये हाफ टेबल स्पून नमक भी ऐड कर दिया है और इन मसालों को मैं ठंडा होने के बाद इसका पाउडर बना लूँगी क्योंकि मैं ये इसमें यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मेरे ये जो मसाले हैं ये मेरे ठंडे हो चुके थे, तो मैंने इस तरीके से इसका पाउडर बना के रख लिया है। अब मैंने यहाँ पर ये फ्राई पैन ले लिया है और मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ये तेल ऐड कर दिया है और मैं मटर को 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लूँगी क्योंकि जो मटर के छिलके होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं और फ्राई करने से मटर भी सॉफ्ट हो जाती है और इसके बाद हम इसका ये दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मटर को इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और मटर हमारी जो है ये हल्की सी फ्राई हो चुकी हैं। तो जब हमारी मटर ये ठंडी हो जाएंगी हम इनका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। तो जब तक हमारी मटर ठंडी हो रही है तब तक मैं यहाँ पर सॉफ्ट डो तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर 2 कप के अराउंड मैदा ले लिया है और इसमें मैं हल्की सी अजवाइन ऐड कर रही हूँ। अजवाइन ऐड करने के बाद मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून के अराउंड नमक ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर हल्का सा रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ क्योंकि रिफाइंड डालने से जो हमारी कचौड़ी होती है वो थोड़ी सी क्रिस्पी बनती हैं और इसी से ही हल्का सा क्रिस्पीपन आता है और खस्तापन आता है। तो इसीलिए मैं हल्का सा रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ इसमें। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने इस तरीके से इसका सॉफ्ट डो बनाकर रख लिया है और मैं इसे 1/2 घंटे के लिए ढककर रख दूँगी। इसके बाद हम इसकी कचौड़ियाँ बनाएंगे। तो जब तक हमारा ये आटा ढककर रखा हुआ है तब तक मैं यहाँ पर जो हमारी मटर है ये ठंडी हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने इसमें हरी मिर्च और अदरक ऐड कर दी है और मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको मिक्सर में चलाकर इसका दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। बहुत ज़्यादा पेस्ट पतला नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैंने ये पेस्ट डाल दिया है और मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, इसको थोड़ा सा भूनूंगी मैं। मटर का पेस्ट जो है ये हमारा थोड़ा थोड़ा फ्राई होने लगा है तो मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। मसालों में मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ पर ये 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ और ये 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें ये लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। साथ में मैंने ये बिल्कुल 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। इसको मैं मसालों को इस तरीके से चलाकर अच्छे से पहले एक बार भून लूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो भी भुन जाएँ और हमारी मटर के साथ वो मिक्स हो जाएँ। तो इस तरीके से मैं इसे चलाकर एक बार भून लूँगी। मसालों को मैंने यहाँ पर मटर के साथ अच्छे से भून लिया है। तो भूनने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये 1/2 टेबल स्पून काला नमक ऐड कर रही हूँ और साथ में मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन का जो फ्लेवर होता है मटर की कचौड़ी में वो अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर हल्का सा बेसन ऐड कर रही हूँ और साथ में मैं यहाँ पर थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ क्योंकि कस्तूरी मेथी जिस चीज़ में भी ऐड कर दो एक तो उस चीज़ की खुशबू अलग ही हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी कस्तूरी मेथी भी ऐड कर दी है। अब मैं सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से भून लूँगी क्योंकि हमारा जो बेसन पड़ा हुआ है इसमें बेसन भी कच्चा ना रहे, तो मैंने इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ये जो मैंने मसाला बनाकर रखा हुआ था ये मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर ये मसाला ऐड करने के बाद जो कचौड़ी का टेस्ट होता है एक तो वो डबल हो जाता है और साथ में हमारी जो कचौड़ी है वो बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है खाने में, इसलिए मैं यहाँ पर ये मसाला ज़रूर ऐड करती हूँ। आप लोग भी मेरी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैं ये मसाला ऐड करके इस तरीके से मिक्स करके अच्छे से एक बार चला लूँगी और हमारी जो कचौड़ी की स्टफिंग है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब कचौड़ी बनाना। तो यहाँ पर मैंने ये छोटी छोटी पहले तो आटे की लोई ले ली है और लोई को इस तरीके से मैं राउंड करके जो लोई हमारी है इसको मैं इस तरीके से साइडों से मैं पतला कर लूँगी और बीच में मैं लोई को मोटा रखूँगी और इसमें मैं ये मटर की स्टफिंग फिल करके इस तरीके से मैं इसे लोई बनाकर मैं कचौड़ी तैयार करके रख लूँगी सारी।
तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सारी कचौड़ी बनाकर रख ली हैं और अब यहाँ पर तलने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैंने तेल गर्म करके ये रख लिया है। मैं इसमें एक एक करके कचौड़ी डाल रही हूँ और ध्यान रखें कचौड़ियों को तेज फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है। मैं यहाँ पर बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कचौड़ियों को फ्राई करूँगी क्योंकि इस ऐसे करने से जो कचौड़ियाँ होती है वो अंदर से भी उतनी ही मज़ेदार और क्रिस्पी फ्राई होती हैं। अगर हम तेज फ्लेम पे कचौड़ियों को फ्राई करते हैं तो हमारी कचौड़ी जो है ये ऊपर से तो फ्राई हो जाती है, अंदर से हल्की सी कच्ची रह जाती है। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल धीमी आँच में मैंने फ्राई करूँगी ताकि हमारी कचौड़ियाँ अच्छे से फ्राई हों। आप देख सकते हैं यहाँ पर कचौड़ी जो है ये हमारी बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई हो रही है और अब बिल्कुल ये फूलने लगी हैं, क्रिस्पी होने लगी हैं। तो इस तरीके से मैंने हल्का हल्का पलट के दोनों तरफ से फ्राई कर लूँगी। कचौड़ी हमारी यहाँ पर फ्राई हो चुकी हैं तो मैं इन्हें दोनों तरफ से मैंने पलट के अच्छे से इन्हें सेक लिया था, तो मैं यहाँ पर अभी इन्हें एक एक करके निकाल लूँ। तो मैं यहाँ पर कचौड़ियों को चटनी के साथ सर्व करूँगी। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, साथ में इन्जॉय कीजिए और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को ये कैसी लगी है और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट एंड प्यार करें। थैंक यू।